भुरकुंडा क्षेत्र में पुलिस ने होली पर्व और लोकसभा चुनाव को लेकर किया फ्लैग मार्च। भुरकुंडा क्षेत्र में भुरकुंडा ओपी पुलिस ने वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर होली और आगामी लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त माहौल में होली और चुनाव हो, इसे ध्यान में रखते हुए आज फ्लैग मार्च किया। भुरकुंडा ओपी के थाना प्रभारी अभिषेक कुमार सहित केंद्रीय बल के साथ सीआरपीएफ के करीब 40 से 50 की संख्या में सशस्त्र बल के साथ ही साथ पदाधिकारी के द्वारा पूरे भुरकुंडा क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया गया। भुरकुंडा क्षेत्र के नीचे धौड़ा, भुरकुंडा बाजार, बिरसा चौक, गांधी हाई स्कूल, पटेल नगर, रिवर साइड के साथ विभिन्न संवेदनशील जगहों और बूथों में जाकर निरीक्षण किया गया। रामगढ़ ब्यूरो मंसूर खान की रिपोर्ट। इसको लेके आज भुरकुंडा पीएस के अंडर सीआरपीएफ डेल्टा 218 कंपनी है, ये एरिया डोमिनेशन फ्लैग मार्च और एरिया सैनिटाइजेशन की कार्यवाही कर रही है। साथ में एसएचओ साहब अभिषेक कुमार साहब हैं। तो सीपीएम की जो कार्रवाई है, बिल्डिंग नेचर्स देखते हैं कि कहाँ पे कितने बूथ हैं, मतदाताओं की संख्या क्या है, या पास्ट में कोई ऐसे इंसिडेंट्स वगैरह हुए हैं तो उनकी जानकारी को संज्ञान में ले जा करके आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पब्लिक के बीच में ऐसे कोई जो असामाजिक तत्व हैं या एलिमेंट्स हैं, ऐसी कोई घटनाएं अगर करते हैं या ऐसे करते हैं तो जनता में भयमुक्त होकर के चुनाव करें, इस चीज़ को काम करने के लिए फोर्स प्रयास सर। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज़, साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।